हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गिरी ट्यूटोरियल्स। मुझे पता है 12th स्टैंडर्ड जो साइंस है वो शायद बहुत नाराज होगी कि मैम आपने हमारे सेशंस को कंटिन्यू ही नहीं किया। हमारे सेशंस एक लेक्चर आया उसके बाद पॉज हो गया। आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। मुझे पता है आप लोग बहुत कंसर्न भी थे आईटी को लेके, बट आई प्रोमिस अब हमारे ये जो 6 चैप्टर्स है वो बहुत अच्छे से हम कम्प्लीट करेंगे। मैं थोड़ी सी बिजी थी, थोड़ी नहीं इनफैक्ट बहुत बिजी थी रिगार्डिंग इंजीनियरिंग को लेके। सो उधर लेक्चर्स होने के वजह से नहीं पॉसिबल हो पा रहा था मुझे कि आपके आईटी के ऊपर फोकस करूं, बट अब हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अच्छे फ्लो में कंप्लीट करेंगे। एंड फर्स्ट चैप्टर तो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, अब हम आ गए सेकेंड चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू SEO. What is this SEO? Search Engine Optimization. ये जो term है, ये specific जो term है, ये हमने सीखा, सुना था somewhere when we were studying about HTML. HTML का जब हमने header tag, heading tag, जब head वाला जो tag था, जो हम ऊपर लिखते थे ना हमारे HTML and body के बीच में, we used to write head वाला tag, उसके अंदर हम title वाला tag use करते थे। तो when we were using that, हम क्यों use करते थे? That was something कि वो हमें SEO, that is search engine optimization process के लिए होता है वो चीज़। अब ये topic में पूरी तरीके से हम देखेंगे ये actually terminology है क्या, इसके अंदर क्या क्या होता है and everything. Okay, so let us start this, that is SEO, which stands for search engine optimization. ये है क्या actually? It is a technique जो हम use करते हैं for designing, developing a website to be rank high in the search engine result. It is a subset of search engine marketing. ये subset है हमारे search engine marketing. जैसे कि ये क्या होता है actually, हम design करते हैं, develop करते हैं एक website को and उसके rank के हिसाब से हमें results मिलते हैं। जैसे कि आप अगर आप कोई Google पे जा रहे हो, आपके अंदर जो कहते हैं ना बहुत सारे, अगर मैंने समझो कुछ भी सर्च किया तो बहुत सारे लिंक्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स आते हैं, तो वो रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। Thus, SEO is useful in increasing the number of visitors to the website. अब कोई भी चीज़ है सबसे ऊपर जो दिखती है, मैंने Google को सर्च किया, समझ लो मैंने गिरी ट्यूटोरियल सर्च किया, तो सबसे पहला वाला जो लिंक होता है बेसिकली हम वही सर्च करते हैं एंड उसे ही क्लिक करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और टर्मिनोलॉजी सर्च कर रहे हो, जैसे कोई भी और वर्ड सर्च कर रहे हो, तो जब उसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है ना वो सबसे ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा सेफर साइड पर रहने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स को ही जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सही न्यूज़ होती है, सही नोटिस होती है, सही चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, हमारा जो विजिटर, नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट है, वो इंक्रीज करता है। There are many strategies and techniques adopted to optimize the web page. This chapter introduces few ways at the beginner's level. अब आप 12th में हो, बच्चे हो, छोटे हो, तो आप लोगों को ना छोटे लेवल पे बताई गई है ये सारी चीजें। तो यहाँ क्या है, टाइप्स ऑफ SEO, हमारे पास दो टाइप्स है। सबसे पहला है ऑन पेज SEO एंड नंबर टू इज ऑफ पेज SEO. ये दोनों चीज क्या है हम देखते हैं अभी। जो ऑन पेज SEO है ना, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इट इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ गुड कंटेंट, गुड कीवर्ड्स सिलेक्शन, पुटिंग कीवर्ड्स ऑन द करेक्ट प्लेस, यूजिंग एप्रोप्रिएट टाइटल टू एवरी पेज एक्सेट्रा। ऑन पेज SEO यानी कि आपका जो पेज है, पेज आप विजिट कर रहे हो, इसके अंदर अच्छी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, अच्छे कंटेंट्स होने चाहिए। जैसे आप विकिपीडिया पे जा रहे हो तो अच्छे अच्छे कंटेंट्स होते हैं ना उसके अंदर, और कीवर्ड्स को देखोगे तो कीवर्ड्स हाईलाइटेड होते हैं, उस कीवर्ड्स के ऊपर बेस्ड भी अगर आप कुछ चीज सर्च करते हो तो फट से वो लिंक आ जाता है। तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो ब्लू कलर में आपको दिखाई देते हैं कभी कभी, कि आपका ध्यान वहां पे जाना चाहिए, वो कीवर्ड सही प्लेसेस पे होने चाहिए एंड गिविंग एप्रोप्रिएट टाइटल्स। टाइटल्स ही नहीं है, जैसे अगर मैं हेडिंग दे रही हूँ मेरे पेज को, तो उसका जो हेडिंग होना चाहिए ना वो इतना इंटरेक्टिव होना चाहिए, इतना ब्रीफ आइडिया देना चाहिए नीचे जो भी पढ़ा होगा उसको। जैसे कि अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, जैसे समझ लो मैंने इधर लिखा इंट्रोडक्शन, तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है हेडिंग से कि भाई साहब यहाँ पे कुछ तो इंट्रोड्यूस होने वाला है। जैसे मैंने टाइप ऑफ SEO लिखा तो यहाँ पे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अब हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। अभी यही चीज मैंने इंट्रोडक्शन में बिना हेडिंग डाले लिख दिया होता तो आप कन्फ्यूज हो गए होते, मैम अब ये क्या पढ़ा रहे हो। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेडिंग, हेडिंग देना सही, टाइटल देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑन एवरी पेज। ऑफ पेज SEO क्या होता है, इट इंक्लूड्स लिंक बिल्डिंग, लिंक्स जो होती है ना आपकी वो बनाए जाते हैं, इंक्रीजिंग लिंक पॉपुलैरिटी बाय सबमिटिंग ओपन डायरेक्टरीज, सर्च इंजिन्स, लिंक एक्सचेंज एक्सेट्रा।
अब हम आ गए इसके अंदर कुछ चीजें, जैसे कि SEO में हमारे पास दो टाइप्स है. अब ये वाला जो है हमारे पास ऑन पेज है वो क्या कंसर्न करता है, इट इज कंसर्न विद द इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्प्लेड टू द एंड यूजर्स. आप एंड यूजर्स हो ना, जैसे कि ये मैं प्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं और आप एंड यूजर्स है. एंड यूजर्स सच एज टेक्स्ट इमेजेस एंड वेबसाइट नेविगेशंस. ऑफ पेज क्या होता है, इट इज कंसर्न विद वेबसाइट वेबसाइट रिलेशनशिप, दो वेबसाइट्स के बीच में रिलेशनशिप. डू अदर website refers to you, do you refer to others, how good is your internet. Off page मतलब एक कहते हैं ना बाहर बाहर से चीजों को कंट्रोल करता है, आपके वेबसाइट्स कितने लिंक्ड है, इधर से ये वेबसाइट दूसरे वेबसाइट से क्या रिलेशनशिप है. कभी कभी आप लिंकेज प्रोवाइड करते हैं ना, मेरा एक पेज है वहां पे मैं कोई और लिंक प्रोवाइड करती हूँ, क्या आप सीधा वो पेज उसे क्लिक करते ही दूसरे पेज के ऊपर चले जाते हो, राइट. तो ये सारी चीजों का ध्यान देता है हमारा ऑफ पेज SEO. अब हम आ गए, हमारे पास दो टेक्निक्स है भाई साहब, बहुत खूबसूरत से दो टेक्निक्स है इन SEO, दैट इज व्हाइट हैट SEO एंड ब्लैक हैट SEO. बहुत इजी है रिमेंबर करने के लिए कौन से व्हाइट हैट है और ब्लैक हैट है. व्हाइट हैट क्या करता है, इट इज अ टेक्निक दैट सर्च इंजन रिकमेंड्स एज अ पार्ट ऑफ गुड डिजाइन. गुड डिजाइन का पार्ट है तो ये हमें व्हाइट हैट, इसके अंदर हम और पढ़ते हैं ये क्या है एक्चुअली. और ये ब्लैक हैट क्या है, इट इज अ टेक्निक दैट सर्च इंजन डज नॉट अप्रूव. भाई साहब ब्लैक है थोड़ा सा समझ लो, नॉट अप्रूव्ड हो रहा है. द टेक्निक used for optimizing and websites are manipulative. अब हम आ गए यहाँ पे, देखो ये जो एक आपको अच्छा सा एक इमेज दिख रहा होगा, आपके टेक्स्ट बुक से ही उठाया है ये इमेज, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये व्हाइट हैट स्ट्रेटर्जी एंड ब्लैक हैट स्ट्रेटर्जी क्या क्या इन्वॉल्व करती है. इसके अंदर क्या होता है, व्हाइट हैट में रेलेवेंट कंटेंट होते हैं, वेल लेबल्ड इमेजेस होती है, इमेजेस होती है, उनके नीचे नाम होता है, फिगर नंबर दिस, टेबल नंबर दिस, इमेज नंबर दिस, या फिर अच्छे अच्छे नाम्स होते हैं ना उसके, जो भी ब्रीफ आइडिया दे देता है. रेलेवेंट लिंक्स एंड रेफरेंसेस आपको अच्छे अच्छे मतलब बहुत सारे हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है वो पेज पे. कंप्लीट सेंटेंसेस विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स और गुड स्पेलिंग्स एंड ग्रामर. ग्रामर भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें लिख दी है यहाँ पे इसमें ग्रामर ही नहीं सीख सही से लिखा है, इन कौन लिखा है, मतलब लाइक ग्रामर सही नहीं है तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट HTML, कॉम्प्लीमेंट HTML. फिर उसके बाद हमारे पास है यूनिक एंड रिलेवेंट पेजेस टाइटल. यूनिक भी होने चाहिए और रिलेवेंट होने चाहिए. अब खा रहे हो पूरी एंड बता रहे हो कुछ और तो नहीं चलेगा ना यार, रिलेवेंट होना चाहिए जो आपने लिखा है, और अच्छा भी होना चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए. अब ये ब्लैक हेड क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है डुप्लीकेट कंटेंट्स. अब ब्लैक है तो इसके अंदर कुछ तो दाल में कुछ काला है वैसा सीन है इसके अंदर, तो ये क्या होता है, डुप्लीकेट कंटेंट्स होता है. फिर उसके बाद विजिबल टेक्स्ट एंड स्टफ कीवर्ड्स होते हैं, फिर उसके बाद रीडायरेक्टिंग द यूजर टू द अनदर साइट और पेज जो यूजफुल ही नहीं है, वहां पे उसे जाना ही नहीं है, फिर भी उधर लेके चला जा रहा है. लिंक्स फ्रॉम साइट्स विद अनरिलेवेंट कंटेंट, ऐसे लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं जो रिलेवेंट कंटेंट्स की ओर लेके नहीं जा रहे. जैसे कि अगर आप कुछ चीज सर्च कर रहे हो उसके अंदर पेजेस है और वो आपको कोई और ही भरते ही साइट के ऊपर लेके जा रहा है जहां जिसकी आपको जरूरत है ही नहीं. अब हम आगे ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट, हमारे वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें. देयर आर वेरियस सेक्शंस ऑफ द वेबसाइट व्हिच कैन बी ऑप्टिमाइज्ड टू फॉर बेटर SEO. सम ऑफ वेज टू ऑप्टिमाइज द वेब पेज फॉर SEO. हमारे पास नीचे है ना सम ऑफ द वेज दिए गए हैं. हमारे पास फर्स्ट वे जो है वो है पेज स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज. पेज स्ट्रक्चर, पेज का जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना उसका ऑप्टिमाइजेशन. वन सेकेंड, हो जाता है कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं. सो ये क्या है, हमारे पास पेज स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पे हम कुछ चीजें करेंगे. क्या है, HTML प्रोग्राम शुड स्टार्ट विथ ऑफकोर्स ये जो हमारा दिख रहा है ना आपको HTML5 अगर आप यूज कर रहे हो तो ये वाला जो टैग है, रेस्पेक्टिव टैग है, ये बताता है कि भाई साहब अब हम HTML के प्रोग्राम में, HTML5 के प्रोग्राम में आ चुके हैं. ये क्या है, हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट, उसके अंदर एक्सक्लेमेशन है सबसे पहले, एंड डॉक टाइप HTML. अब ये HTML कैपिटल लिखना चाहते हो स्मॉल लिखना चाहते हो, इट्स ऑन यू. इफ इट इज अ सिंगुलर टैग, अगर आपके पास सिंगुलर टैग टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई थी क्या होता है, सिंगल लेता है, जैसे कि इमेज है या फिर BR वाला टैग या फिर HR वाला टैग, दे आर सिंगुलर टैग्स जिसके क्लोजिंग्स नहीं होते. इट शुड बी सेल्फ क्लोज्ड लाइक दिस, सेल्फ क्लोजिंग उसको प्रोवाइड करनी चाहिए. जैसे कि अब ये सिंगुलर टैग है ना तो यहाँ पे हम इसे सेल्फ क्लोजिंग, लास्ट में सेल्फ क्लोजिंग देते हैं. ये देख रहे हो बैक स्लैश फ्रंट स्लैश दिया, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए. फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ टैग शुड बी प्रॉपर, मोस्ट ऑफ द टाइम रिसेंटली ओपन टैग विल बी क्लोज्ड फर्स्ट. ऑर्डर ऑफ टैग शुड बी प्रॉपर,
मैंने ओपन किया सबसे पहले प्रॉप पी वाला, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, वन सेकेंड मुझे वहाँ पे जैसे कि समझ लो मेरे पास ये एग्जांपल है, ऑर्डर ऑफ क्या है एक्चुअली बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला पी देख रहे हो आप, ये ओपन हुआ है, फिर उसके बाद हमने यानी कि पैराग्राफ ओपन किया है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बोल्ड टैग ओपन किया और यहाँ पे हमने आई वाला टैग ओपन किया है, राइट। तो ये वाला जो है ना ये क्या कहता है, आपने जिस ऑर्डर में उसे ओपन किया है, जो सबसे पहले सबसे लास्ट ओपन होता है ना, सबसे लास्ट, उसे सबसे पहले क्लोज करो। यहाँ पे देखो जो हमने आई था उसको सबसे लास्ट में ओपन किया, उसे हम सबसे पहले क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद पी है हमारा, यानी पैराग्राफ भी क्लोज हो रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आता है ये वाला जो स्टेटमेंट था हमारा रिस्पेक्टिव वो कहाँ गया, यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ द टैग शुड बी प्रॉपर, मोस्ट रिसेंट यानी कि सबसे पहले जो ओपन हुआ है, सबसे रिसेंट मोस्ट जो ओपन हुआ है उसे हमें सबसे पहले क्लोज करना है। इट इज रिकमेंडेड टू यूज, आपको रिकमेंड किया गया है कुछ चीजों को यूज करने के लिए, जैसे कि टाइटल, टाइटल टैग जो हम प्रोवाइड करते हैं ना, टाइटल क्यू होता है, इट इज द फर्स्ट थिंग, यहाँ पे स्पेस आना चाहिए था, आई एम सॉरी यहाँ पे स्पेस आएगा, इट इज द फर्स्ट थिंग दैट द यूजर नोटिस इन द सर्च रिजल्ट लिस्ट वाइल यूजिंग गूगल फॉर सर्चिंग। ये टाइटल एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि समझ लो ये देखो यहाँ पे देख रहे हो इंट्रोडक्शन टू SEO, ये जो है हमारा ये क्या है, मेरा टाइटल है। तो ये सबसे पहली चीज होती है जहाँ पे आपका ध्यान जाता है, ये जो होना चाहिए ना इसका कंटेंट 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, इसके अंदर स्पेस भी इंक्लूडेड है, जैसे कि यहाँ पे देखो मेरा जो ये होप्स आपको दिख रहा होगा, नहीं आई एम नॉट प्रॉपर, तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर स्पेस दिया है, टू है, फिर स्पेस एंड SEO लिखा है। इसका मतलब कि ये है, ये जो स्पेस है, कैरेक्टर्स है, डिजिट्स है या फिर स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ओके, अब आगे है हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, ये क्या है, व्हाइल क्रिएटिंग अ वेब पेज, आप जब वेब पेज बना रहे हो, मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी यूज्ड टू बूस्ट योर ऑन पेज SEO, मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी बिटवीन 70-60 कैरेक्टर्स, स्पेस 160 स्पेस इंक्लूडेड। ये क्या करता है ना, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो बूस्ट करते हैं ऑन पेज, आप जाके उधर विजिट करो, ऐसे फोकस करते हैं वो चीज़ों को। तो ये कितने होना चाहिए, 70 से लेके 160 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए। हेडिंग टैग, द पेज शुड इंक्लूड प्रॉपर हेडिंग टैग्स फॉर, ये जो हमारे पास हेडिंग्स है ना, ये वाले याद है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसके मैंडेटरी होते थे, H1 होता था, H2 होता था, 3 होता था, 4 होता था, 5 होता था, 6 सबसे बड़ा H1 हेडिंग टैग है, सबसे छोटा फॉन्ट वाला H6 है, सेंट्रलाइज कर देता है हमारे टाइटल को या हेडिंग जो भी आप देना चाहते हो। तो इसे प्रॉपर जगह पे यूज़ करना चाहिए, जहाँ भी ज़रूरी है वहाँ यूज़ करो, इससे क्या होता है ना, ब्यूटीफाई होता है। मैंने कहा था ना हमारा HTML का काम क्या होता है, वेब पेज डेवलपमेंट का होता है, तो हमें ये सारे टैग्स को यूज़ करना चाहिए, जितने टैग्स है ना यूज़ करो एंड अपने जो पेज है उसे ब्यूटीफुल बनाओ। इमेज टैग विथ अल्ट एट्रीब्यूट, हम जब इमेज यूज करते हैं इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट है, SRC है, हाइट है, विथ है, उसके बाद हमारे पास ये अल्ट वाला एट्रीब्यूट होता है, ये क्या करता है, एक अल्टरनेट नेम प्रोवाइड करता है। इट गिव्स एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द इमेजेस, सो इवन इफ द इमेज डज नॉट लोड इट कैन मेक अ व्यूअर अंडरस्टैंड दैट द इमेज इज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि समझ लो मेरे पास एक इमेज है, मेरा जब मैंने उस वेब पेज को बनाया है उसके अंदर इमेज इंसर्ट किया है, तो मैंने ना वहाँ पे इसमें अल्ट टैग में लिख दिया था कुछ, समझ लो मेरे पास रोज का इमेज है, बहुत ही प्यारा सा एक रोज है, उसको मैंने अल्ट में लिख दिया rose.png और रोज फोटो जो भी आपको लिखना है डबल कोट्स के अंदर, अगर आपने लिख दिया और समझ लो मैंने वो पेज लोड किया, बट स्टिल ना वो इमेज डाउनलोड ही नहीं हो रहा यार, वो इमेज लोड ही नहीं हो रहा। तो उस सिचुएशन में ये आप अगर अपना कर्सर जो है उस इमेज के ऊपर लेके जाओगे ना, तो वहां पे तुरंत वहां पे ना रोज फोटो या फिर rose.png जो भी आपने अल्ट में नाम दिया होगा ना वो दिखाई देने लगता है। इससे आपको ये समझ में आता है कि भाई साहब यहाँ पे ना कुछ तो इमेज है और वो इमेज किसकी है, रोज की है, भले वो लोड नहीं हो रही लेकिन आपको पता चल गया कि वो इमेज किसकी है, रोज की इमेज है। हमारे पास ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखा दिया, एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या है, हमने सबसे पहले डॉक टाइप HTML कर रहे थे, हमें बताना पड़ेगा HTML हेड के अंदर हमने क्या प्रोवाइड किया है, टाइटल प्रोवाइड किया है कि भाई साहब ये टाइटल है हमारा जो यहाँ पे दिखाई देगा, और टाइटल हमेशा हेडिंग के अंदर आता है, हेड जो टैग है हमारा उसके अंदर आता है। फिर हम बॉडी ओपन करते हैं, यहाँ पे देखो हेड है फिर टाइटल है, पहले टाइटल क्लोज होगा फिर हेड क्लोज होगा, क्योंकि जो मोस्ट रिसेंट है वो पहले क्लोज होता है।
फिर बॉडी पे आ गए, इसके अंदर हमने लिखा है लेट अस अंडरस्टैंड बॉडी में हमने क्या किया, प्रॉपर यूज ऑफ H1 टैग किया है. फिर इसके बाद हमने पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, जो आपको सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, जो भी टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए यूज करना आप करो, फिर प्रॉपरली क्लोज करो. इससे क्या होता है हमारे वेब पेज को, यानी वेब पेज स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन आप कर पाते हो. सेकेंड है हमारे पास SEO कीबोर्ड, यानी कीवर्ड, सॉरी कीबोर्ड क्यों बोल रही, सॉरी कीवर्ड. That is search engine optimization keyword is a very important word that and phrase related to the developed website content. Keyword यानी कि ऐसा कुछ word जो define कर दे आपका जो web page है उसका content actually क्या है. जैसे कि आपने अगर Google पे गए, Google पे कुछ भी आपने load किया, sorry कुछ भी आपने search किया, तो search करने के बाद देखो वहाँ पे जब links आते हैं तो links के नीचे keywords, ध्यान से अब भी जाके सर्च कर लो चाहिए तो कीवर्ड्स ना एक ऐसा आता है वहाँ पे कीवर्ड्स कोलन एंड वहाँ पे ना कुछ वर्ड्स होते हैं, ये होता है रिलेवेंट टू योर समथिंग, रिलेवेंट डेटा दैट यू हैव सर्च, मेटा डेटा हम इसे कहते हैं. अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स नीड टू बी केयरफुली चोजन टू ऑप्टिमाइज द रिसर्च, सॉरी सर्च. ऑप्टिमाइज करना जरूरी होता है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड आपके जो यूजर्स होते हैं ना वो आपके वेबसाइट को विजिट करते हैं. Keyword research and analysis is an important part of search engine optimization as well as search engine marketing. Marketing करना भी जरूरी है ना यार आपके data जो आप provide कर रहे हो. For search engine marketing, one can pay for certain keywords. Certain keywords के लिए pay भी कर सकते हो. There are various online keyword planner tools such as Google AdWords keyword planner. टू शॉर्टकट कीवर्ड, शॉर्टलिस्ट कीवर्ड्स, यानी कि आप अगर पे कर रहे हो तो ये भी एक ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन सोर्स है हमारे पास, इससे भी आप कर सकते हो कीवर्ड को हैंडल, शॉर्टलिस्ट कर सकते हो. दिस इज मोर यूजफुल टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ वेरियस कीवर्ड्स इफ द कीवर्ड डिजाइनर ऑप्ट्स फॉर पेड सर्च इंजिन मार्केटिंग. थर्ड हमारे पास है सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन सोशल बुकमार्किंग. सोशल बुकमार्किंग, बुकमार्किंग क्या होता है, आप बुक पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते होगे, बुक्स, कॉमिक्स, जो भी पढ़ते हो, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ सकते हो, तो वहाँ पे बुकमार्क करते हो. देखो जहाँ पे आप रुके रहते हो वहाँ पे बुकमार्किंग करते हो, तो यही एक टर्म है बुकमार्किंग भी. ऐसा ये देखते हैं ये क्या है. इट इज़ अ पावरफुल टूल फॉर प्रमोटिंग अ वेबसाइट, वो तो मैंने बेसिकली बता दिया था ये क्या है, ये देखते हैं. इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. Bookmarks are website links that are stored for future references. Future reference में bookmark आप क्या करते हो, bookmark करते हो ना, जैसे book में आप करते हो वैसे ये भी है, future reference के लिए use होता है, time कम लग सकता है समझ लो. They are very useful specially when the web pages with long URLs are not easy to remember. Bookmarking services allows you to save and organize and share the bookmarks with other users that etc. फिर उसके बाद एक्सटर्नल लिंक्स आर इम्पॉर्टेंट SEO फैक्टर्स टू रैंक द वेब पेज हायर इन द सर्च इंजन. विद सोशल बुकमार्किंग यू कैन क्विकली क्रिएट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स. अभी इतना ही समझ लो, इससे ये रेफरेंस लिंक्स होते हैं, जैसे कि अगर बहुत बड़े बड़े लिंक्स है आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे तो आप क्या करते हो, बुकमार्क कर देते हो ना ये सारी चीज़ों को, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी. SEO सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज SMO. Social SM Media O Optimization. It deals with enhancing the web page ranking using interactive communities like Facebook, Twitter, blogs, forums, and so on. When these communities have links to be created to the created website to find familiarity and trust अबाउट द वेबसाइट. बहुत ज़्यादा भूलने के बाद ना वी फील कि वर्ड्स ना जंबल हो जाते हैं, जो वर्ड्स आते रहते हैं ना दिमाग में वो भी जुबान से निकल नहीं पाते. आई एम सो सॉरी, हो जाता है कभी कभी. नाउ व्हाट इज दिस SEO बैकलिंक्स. SEO बैकलिंक्स आर लिंक्स ऑन वन वेबसाइट दैट वेन क्लिक टेक द यूजर टू द अनदर वेबसाइट. जैसे कि यहाँ पे मैं कोई लिंक दे रही हूँ, इसके ऊपर आप क्लिक कर रहे हो तो आप दूसरे वेबसाइट पे जा सकते हो, तो ये होते हैं बैकलिंक्स. बैकलिंक्स आर स्पेशली वैल्यूएबल फॉर SEO बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड द वैल्यू ऑफ द कंटेंट. अब समझ लो मेरे पास कोई, मैंने एक सर्च किया है, समझ लो मैं विकीपीडिया पे ही गई, कोई एक लिंक पे गई विकीपीडिया पे, उसके अंदर ना लिंक्स होते हैं, बहुत सारे लिंक्स होते हैं, क्लिक करोगे ना तो फट से दूसरे पेज के ऊपर जाए. इससे क्या होता है ना, वो वाला जो पेज है ना उसके भी व्यू रेट्स बढ़ जाते हैं, उसके ऊपर भी विजिटर्स बढ़ जाते हैं. दे ऑल्सो रिप्रेजेंट अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर वन साइट टू द अनदर. द इन शॉर्ट ब्लैक लिंक्स आर टू द योर वेबसाइट्स आर द सिग्नल टू सर्च इंजिन
that other are interested to know about the content from the website. Okay, like normal sub backlinks kya hota hai. Fir uske baad other factors for SEO. Other factors kya kya hota hai? Speed of the website. While creating a website, attention should be given for the design content and as many visuals as possible. However, all but this can also slow down the website and obstruct the usability. आपने बना दिया, बहुत ही प्यारा सा वेबसाइट बनाया, बहुत ही अच्छा सा वेबसाइट बनाया, सब यूज़ कर दिया भाई सब, लेकिन वेबसाइट स्लो हो गया, वेबसाइट का जो फंक्शनैलिटी है, उसकी जो कहते हैं ना रिस्पॉन्ड कैपेबिलिटी है, वो स्लो हो गई, तो यार यूजेबिलिटी जो है वो बंद हो जाएगी यार, एक सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट करेगी, उसे ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करेगी. मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए. ये क्या है वेबसाइट? Websites mobile friendliness has become a ranking factor for Google. अब ज़रूरी नहीं है ना हर किसी के पास लैपटॉप हो सकता है किसी किसी के पास ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो वेबसाइट है ना मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि मोबाइल में भी एंड्रॉयड या iOS जो भी आप यूज़ करें उसके अंदर भी ना बड़े प्यारे तरीके से दिखना चाहिए, ब्यूटीफाई होना चाहिए. उसके बाद hence it is very important to ensure that the created website is mobile friendly for maximum exposure and improve the website ranking. हमारा main focus है उसका optimization बढ़ाना. उसके बाद है creating robots.txt. This file tells search engine which page you want to exclude from indexing. For example, if you do not want a certain page or images being indexed, then you can restrict that page from being indexed. अब ये indexing, ये जो term है ना, ये नहीं, शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, ये जो है ये ना web crawlers या web spiders, ऐसा आपने पढ़ा नहीं है, but ये एक चीज़ है जो indexing provide करती है हमारे pages को. okay? फिर इसके बाद है हमारे पास search engine optimization audits. ये क्या है? It helps to find out what could be done to improve the ranking of the search engines so that the customers could find the websites with greater ease. ये क्या करता है ना, ranking improve करता है हमारे page की ranking का, so that ना जो users है ना वो easily वो like customers access कर पाए उस particular link को. It analyzes the website health. For example, हमारे पास example है SEO matter, SEO या फिर इसे आप जो भी रेट करो, SE Optimer and few free SEO audit tools available on net. अब ये क्या करता है हमारा जो SEO Optimer है, इट इज़ अ फ्री SEO ऑडिट टूल दैट विल परफॉर्म अ डिटेल SEO एनालिसिस करता है. इट प्रोवाइड्स क्लियर एंड एक्शनेबल रिकमेंडेशन दैट कैन बी टेकन टू इम्प्रूव योर ऑनलाइन प्रेजेंस. आपका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसके ऊपर अच्छे से लाइक प्रोवाइड करता है क्लियर एंड एक्शनेबल रिकमेंडेशंस. ओके, फिर उसके बाद समझ लो ये एक URL है हमारे पास. ये देखो प्यारा सा URL दिख रहा है, यहाँ पे URL को मैंने हाईलाइट के नहीं किया, आई एम सो सॉरी. सो यहाँ पे देखो आप कुछ इमेजेस आए. ये क्या है? ये हम कर रहे हैं SEO एनालिसिस ऑफ दिस वेबसाइट. आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, स्टिल आई विल जूम करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, सो रहने दो उसे. तो हम यहाँ पे देखो, आप एक स्क्रीनशॉट है यहाँ पे. हम क्या कर रहे हैं? ऑडिट कर रहे हैं किसी चीज़ को. तो यहाँ पे हमने हमारा URL डाल दिया, हमारा जो सर्च टूल SEO का ऑडिट का जो टूल है वहाँ पे हम आ गए. यहाँ पे इन्होंने लिखा है देखो बड़े प्यार से, 3 मिनट्स में भाई साहब हमें करके दे रहे हैं. देखते हैं, हमने यहाँ पे हमारा वेबसाइट डाल दिया, सबमिट कर दिया एंड ऑडिट हो रहा है. ऑडिट करना है ना हमें, तो ऑडिट करना है कि इसके अंदर कंटेंट जो है कितने एक्यूरेट है या अच्छा है, जैसा भी है वो देखते हैं हम क्या है. तो यहाँ पे जब आप आओगे तो ऑडिट पे क्लिक करोगे, जैसे ही यहाँ पे ना वो एक रिजल्ट या फिर एक रिपोर्ट जनरेट करेगा कि आपका जो ग्रेडिंग देगा आपके पेज को, आपका पेज अच्छा है, बहुत अच्छा है, एकदम खराब है, या मॉडरेट है, ठीक ठाक है, या एकदम ही खराब है, वर्स्ट है, ये वो बताता है. तो यहाँ पे देखो जब मैंने ये चीज सर्च की तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाया इसने, योर पेज इज गुड एंड उसने मुझे दे दिया है मेरा ए ग्रेड. ठीक है, यहाँ पे और भी कैटेगरीज है, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड, इसने और भी चीजों के लिए ग्रेड्स दिए है. ये एक्चुअली है क्या सीक्रेट, क्या बता रहा है कि आपका पेज और थोड़ा बेहतर हो सकता था. 16 इम्प्रूवमेंट्स रिकमेंडेड, यानी कि इम्प्रूवमेंट्स करो यार, हमारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स करो, आपको इम्प्रूवमेंट्स करना चाहिए. तो ये ना ऑडिट वाला काम है, ऑडिट इज समथिंग आप ऑडिट कर रहे हो कितना परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है एंड ऑल थिंग्स. ओके, तो ये अलग अलग चीज़ों को लेके बता रहा है. यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि टाइटल टैग जो आपने यूज़ किया है ना
उसके अंदर ना लेंथ आपका 85 दिखा रहा है, 85 दिखा रहा है, तो वो कह रहा है कि ठीक नहीं है यार इतना तो, लेकिन जो मेटा डेटा है वो आपका ठीक है क्योंकि वो 98 है और हमारा रेंज क्या था 70 से लेके 160 तक का रेंज था, राइट। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये तो ठीक है भाई साहब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हेडर टैग जो है आपने अच्छे से यूज़ किया, आपका पेज इंटरैक्टिव है, वो भी ये बता दे रहा है देखो टिक सॉरी टिक मार्क के साथ, तो लाइक अच्छी चीज़ है, ऑडिट कर रहा है आपके पेज को। फिर उसके बाद जूम आउट कर देते हैं, फिर अब हम आ गए ऑडिट रिजल्ट ऑफ ऑडिट रिजल्ट यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इधर, तो ओवरऑल रैंकिंग ऑफ द वेबसाइट, रिकमेंडेशन ऑफ द इम्प्रूवमेंट, क्या क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यूजेबिलिटी ऑफ द वेबसाइट आपकी कितनी यूजेबल है, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट कितनी अच्छी है, फिर सोशल लिंक्स कितने हैं, कनेक्टेड सोशल अकाउंट्स कितने हैं, आपने लिंक्स कितने प्रोवाइड किए, फिर सिक्योरिटी पैरामीटर्स क्या क्या है यहाँ पे, तो SSL एनेबल्ड है, फिर HTTPS जो है हमारे पास वो रीडायरेक्ट है, ईमेल पायरेसी है यहाँ पे, हेडर कंटेंट रिकमेंडेशन, अगर ये सब चीज़ें क्या है आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो ये जो भी चीज़ यहाँ पे इमेजेस में थी ना यहाँ पे, ये सब यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेजेस अगर समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे देखो हेडिंग में मैंने क्या बताया, मेटा डिस्क्रिप्शन और लिंक, देखो लिंक में प्रॉब्लम था, टाइटल में प्रॉब्लम था एंड मेटा डिस्क्रिप्शन ठीक था उसका। फिर बॉडी कंटेंट में हेडर उन्होंने बोला बहुत अच्छे से यूज़ किया है, बॉडी कंटेंट रिकमेंडेशन अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बता देगा, कीवर्ड कंसिस्टेंसी कीवर्ड अगर और भी कोई डाल सकते हो, लिस्ट दे सकते हो तो उसको ग्रेडिंग दे देगा, अमाउंट ऑफ कंटेंट इन द वेब पेज, आपका जो कंटेंट में वेब पेज है वो कितना अच्छा है, एक्यूरेट है और कितना ज़्यादा है कम है, वो सारी चीज़ें बता सकता है। उसके बाद हम आ गए लिंक्स के ऊपर, नंबर ऑफ बैक लिंक्स कितने हैं, ब्रोकन लिंक्स कितने हैं, फ्रेंडली लिंक्स कितने हैं, ऑन पेज लिंक्स कितने हैं। बैक लिंक्स मतलब कि ऑफकोर्स किसी और पेज के ऊपर जा रहे हैं, फिर फ्रेंडली लिंक्स यानी उस कंटेंट से रिलेटेड और कितने लिंक्स हैं, टेक्नोलॉजी लिस्ट विच इज यूज इन द वेबसाइट, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है उसके ऊपर भी आपने अगर लिख के रखा है कि टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाया है वो भी आप दिखा सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो ये सेकेंड चैप्टर था काफ़ी छोटा था बट अच्छा था चैप्टर, आपको समझ में आया होगा काफ़ी चीज़ें इसमें से, होप आपने पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा। तो ऑफकोर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है तो बताना एंड हम फाइनली सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड आपके बोर्ड एग्जाम से पहले एंड अच्छे से कर देंगे। ओके, सो होप ये अच्छे से समझा होगा, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे जल्दी से जल्दी। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताना, मैं हूँ यहाँ पे, ट्राई करूँगी कि आपको रिस्पॉन्ड करूँ एंड प्यार दिखाते रहना यार, अच्छा लगता है जब आप सब बातें करते हो। ओके, बाय बाय, take care.